नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़। मैं अमित भोबिया। अभी अभी सीमा क्षेत्र से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान सफेद झंडा लेकर सीमा पर पहुंच गया है। सफेद झंडा शांति का प्रतीक होता है, लेकिन यहां ये महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तान सफेद झंडा लेकर क्यों आया है। क्या वो कभी गोली नहीं चलाएगा इस वादे के साथ आया है, या फिर कोई और दिक्कत है? पहले वीडियो देख लीजिए, फिर बताते हैं पूरी कहानी। ये सफेद झंडा पाकिस्तान का है। पाकिस्तान के सैनिक ये झंडा लेकर आए हैं, वो झंडा लहरा रहे हैं। दरअसल कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से ही पाकिस्तान लगातार सीमा पर गोलीबारी कर रहा है और भारतीय सेना उसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। कायर पाकिस्तान को अब समझ आ गया है कि वो भारतीय वीर सैनिकों का मुकाबला नहीं कर सकता, इसीलिए वो सफेद झंडा लेकर सीमा पर आ गया है और झंडा लहरा रहा है और कह रहा है कि रुक जाओ, अब गोली मत चलाओ, क्योंकि पाकिस्तान अब अपने सैनिकों के शव उठाने के लिए आया है। पिछले कुछ दिनों से हो रही गोलाबारी में पाकिस्तान के कई सैनिक मारे जा चुके हैं। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान अब भी नहीं समझ रहा, वो तो बस सैनिकों के शव उठाने के लिए सफ़ेद झंडा दिखा रहा है। कुत्ते की पूंछ है, कभी सीधी नहीं हो सकती। एक दो दिन शांत रहेगा, गोलीबारी नहीं करेगा, लेकिन फिर से गोलीबारी शुरू कर देगा। लेकिन अब भारतीय वीर जवान उसकी हर एक गोली का जवाब गोलों से दे रहे हैं। पाकिस्तान की हालत अब बुरी हो चुकी है। पाकिस्तान को हमारा यही संदेश है कि वो शांति बनाए रखे तो उसके लिए अच्छा है, वरना यूं ही अपने सैनिकों के शव उठाता रहेगा। भारत ने तो पहले भी उसे यही संदेश दिया था कि गोली इधर से चले चाहे उधर से, लगती तो मां के सीने में ही है। दोनों मुल्कों में सीमा पर चली गोली से अगर किसी भी मां को दर्द होता है तो उसका जिम्मेदार पाकिस्तान है। सीमा पर पहुंचा हर जवान वीर होता है, वो किसी भी मुल्क का हो। इसीलिए हे पाकिस्तान, अपने जवानों की कदर करना सीख। दोस्तों, आप पाकिस्तान को क्या संदेश देना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए वीके न्यूज़।